प्रॉब्लम है रिलेटिव वेलोसिटी की। सपोज एक ट्री है, पेड़ है, एक बर्ड है, एक बॉय है, एक मैन है। ये भाग रहा है 16 के साथ, ये भाग रहा है 2 के साथ। पेड़ भागता नहीं है, वो रेस्ट पे ही है, और बर्ड उड़ रहा है 20 की स्पीड के साथ ऊपर की तरफ ऐसे, एट एन एंगल ऑफ 37। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे वेलोसिटी के, 20 cos 37, 20 sin 37। एक चीज़ याद रख लो, cos 37 की वैल्यू बहुत आती है कंपटीशन में भी और स्कूल में भी। इसकी वैल्यू याद रखो 4/5 है, फॉर्मूला रजिस्टर में एंटर कर लो चाहे। और sin 37 की वैल्यू 3/5 है। ये स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं। आप कहेंगे खास बात क्या है सर 37 के अंदर, जो 37 के अंदर 60 डिग्री मानना, 45 डिग्री, 37 की खास बात क्या है? है खास बात इसमें क्या? हाँ, 4, 5 और 3 राइट एंगल ट्रायंगल बनने वाला है इसका। पाइथागोरस लगाओगे ना, तो एक साइड 4 है, एक 5 है, तो तीसरी 3 बनेगी, तो राइट एंगल ट्रायंगल बनता है इसमें। चलो वैल्यू याद कर लो। अब बर्ड की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में 20 cos 37 है, cos 37 कितना है 4/5 है, सॉल्व करके 16 आ गई। तो बर्ड की एक्स के अलॉन्ग वेलोसिटी कितनी है 16, और y के अलॉन्ग वेलोसिटी कितनी है, साइन 37 पुट कर दो कितना 3/5, आंसर 12 आएगा। बर्ड यानी कि x में भी जा रहा है, बर्ड y में भी जा रहा है, ये इसका मतलब है। अब क्वेश्चन समझो क्या है। क्वेश्चन है फाइंड वेलोसिटी ऑफ बर्ड। किसकी वेलोसिटी निकालनी है? बर्ड की, ट्री की, मैन की, एज सीन बाय द बॉय। बॉय को, बॉय भाग रहा है, जब वो भाग रहा है तो रिलेटिव वेलोसिटी है, तो मुझे इन सब की वेलोसिटी निकालनी है, ग्राउंड के हिसाब से नहीं। ये वेलोसिटी रिस्पेक्ट टू ग्राउंड गिवन है, पर मेरे को ग्राउंड के हिसाब से निकालनी नहीं है, मुझे बॉय के हिसाब से निकालनी है। चलो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मुझे पहले निकालना है वेलोसिटी ऑफ ट्री। सपोज क्वेश्चन है वेलोसिटी ऑफ ट्री विद रिस्पेक्ट टू बॉय, ये पहला पार्ट मुझे निकालना है। रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट ये बोलता है ट्री की वेलोसिटी में से बॉय की वेलोसिटी को क्या कर दें, माइनस। राइट, इधर जाना यानी कि आई कैप, इधर आना मतलब माइनस आई कैप, भूलना नहीं है। तो बताओ क्वेश्चन में ट्री की वेलोसिटी क्या है? ट्री तो चलता ही नहीं है। बॉय की वेलोसिटी क्या है? कहां, राइट की लेफ्ट? डायग्राम में देखो कहां इधर जा रहा है बॉय, राइट जा रहा है, कितनी वेलोसिटी 16 के साथ, तो 16 आई कैप। तो क्या आंसर आ गया? माइनस 16 आई कैप इज द आंसर। आप साइड पे इसका प्रूफ लिख लें, ऐसे किया है क्योंकि मैंने शॉर्टकट मार रखा है सीधा, तो इसको लिख लें, ये ऐसे आंसर आया है। समझ में आ रहा है कैसे? तो कुछ नहीं करना, ट्री की वेलोसिटी निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू बॉय, वेलोसिटी ऑफ ट्री माइनस वेलोसिटी ऑफ बॉय। ट्री की वेलोसिटी 0 है, बॉय कहां जा रहा है, राइट, राइट का मतलब आई कैप, 16 आई कैप आंसर। ठीक, ये सही है, ये वाले क्वेश्चन ज्यादा बेटर है, कुछ करना ही नहीं है, दोनों वेलोसिटी को माइनस ही तो करना है। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब फिर देखते हैं एक बार। अब मेरे को वेलोसिटी जो निकालनी है, ट्री की नहीं निकालनी, मेरे को मैन की वेलोसिटी निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू बॉय। ठीक है, लिखो यहां वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू बॉय। तो क्या लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ बॉय। क्या स्टेप क्लियर है यहां तक? अब चेक करो फिगर के अंदर, मैन कहां जा रहा है, लेफ्ट, वेलोसिटी 2 आई कैप की माइनस आई कैप, माइनस, तो माइनस 2 आई कैप। बॉय कहां जा रहा है, राइट, 16 आई कैप, कुल मिला के कितना हुआ, माइनस 18 आई कैप आंसर। समझ में आ रहे हैं आंसर कैसे मार्क होंगे? कोई डाउट इसमें? रेन एंड मैन से इजी है, ये माइनस ही तो करना है। ठीक है यहां तक? अब जैसे मुझे निकालना है वेलोसिटी ऑफ बर्ड, वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू बॉय। अब प्रॉब्लम यह है कि जो बर्ड है ना, वो एक्स में भी उड़ रहा है और वो वाई में भी उड़ रहा है, तो दो बार आंसर देना पड़ेगा, पहले अलोंग एक्स एक्सिस। तो क्या लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ बर्ड माइनस वेलोसिटी ऑफ बॉय। ठीक, बताओ बर्ड की एक्स के अलोंग वेलोसिटी कितनी है, फिगर में चेक करके बताओ, 16
आई क्या है, वो एक्स के अलोंग जा रहा है, बॉय की वेलोसिटी कहां पर है, 16 आई कैप, तो आंसर 0। देखो ना बॉय 16 के साथ राइट जा रहा है, बर्ड भी 16 के साथ एक्स में जा रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या रहेगी, 0, दोनों 16-16 जा रहे हैं। और सेम क्वेश्चन किसके साथ चलेगा, वाई के लॉन्ग, सेम क्वेश्चन अब चलाएंगे वाई के लॉन्ग, ये स्टेप क्लियर है यहां तक। ठीक है, एक्स एक्सिस की वेलोसिटी चेक करो 16 है, ठीक है ना, एक्स की वेलोसिटी बर्ड की चेक करो फिगर में 16 है, वाई की वेलोसिटी बोलो कितनी है बर्ड की, 12। तो अब अगला पार्ट किस में चलेगा, अलोंग वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस में बताओ बर्ड की वेलोसिटी कितनी है, 12, कैप कौन सा लगेगा, ऊपर जा रहा है तो जे कैप, 12 जे कैप, और बॉय वाई एक्सिस में उड़ रहा है, वाई बॉय उड़ रहा है वाई में, वाई भी उड़ रहा है क्या, नहीं उड़ रहा, तो 0 होगी ना, तो आंसर इज 12। ठीक है, बॉय तो एक्स में चल रहा है ना, वाई में तो चल ही नहीं रहा, तो आंसर तो समझ में आ रहा है, आंसर कैसे देने हैं, कोई डाउट इसमें, ठीक। फिर से वो कह रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व करो, अब बर्ड की वेलोसिटी, ट्री की वेलोसिटी, बॉय की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मैन, तो यानी कि वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू मैन, ट्री विद रिस्पेक्ट टू मैन, बॉय विद रिस्पेक्ट टू मैन, तो फिर से 3 बार सेम पार्ट करना है, आंसर आएगा, कर लोगे सॉल्व, क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है कि कैसे करना है इसमें।